साथ में किया है और हमारा उद्देश्य है जापानीज भाषा के सीखने के महत्व को आपको बताना। जापान में अच्छी शिक्षा व नौकरी के अवसर, जापान में उपलब्ध शैक्षणिक स्कॉलरशिप तथा 12th आर्ट कॉमर्स साइंस पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को TITP प्रोग्राम के अंतर्गत नौकरी के उपलब्ध अवसर के विषय में जानकारी देना। जैसा कि एडवर्टाइज में आपने देखा ही होगा कि यह जो सेमिनार है हमने आयोजित किया है आपको जापान में जो अवसर मौजूद है वह बताने के लिए। वैसे तो मेरी फ्रेंड वैशाली ने मेरा परिचय दे ही दिया है, थोड़े शब्दों में मैं भी बताना चाहूंगी। 2007 यह समय था जब मैं फर्स्ट टाइम जापान में गई थी। उस समय मुझे भी जापान के बारे में कुछ पता नहीं था। भंते जी यहाँ पे थे तो उनके माध्यम से, कोइके जी के माध्यम से काफी संख्या में इंजीनियर्स जापान में जा चुके थे, बट वो प्रोजेक्ट बंद हो चुका था, जाने का कोई अवसर नहीं था। तो ऐसे समय में मैंने नेट पे इंटरनेट, उस समय नया नया आया था, इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया हाउ टू गो टू जापान। और वह समय था जब मुझे यह पता चला कि जापान में एज ए स्टूडेंट जाया जा सकता है। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया, एज ए स्टूडेंट मैंने एप्लीकेशन किया, जापान में गई। 2007 में जाके 6 months मैंने वहां की स्कूल में पढ़ाई की जापानीज भाषा की। उसके बाद में मैंने वहीं पे जॉब सर्च किया, वर्क वीजा में चेंज किया और तब से लेके आज तक मैं वहीं पे जॉब कर रही हूँ। 2008 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज ए CAE इंजीनियर। पहले होंडा में काम किया, उसके बाद निस्सान, माजदा, आफ्टर CAE इंजीनियर, लास्ट 3 years मैंने एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम किया, प्रोजेक्ट मैनेजर। और पिछले साल से मैं L&T टेक्नोलॉजी में एज ए प्रोग्राम मैनेजर काम कर रही हूँ। उसके साथ में हमने 2017 में जब एक स्टेबिलिटी आ गई, उसके बाद में यह सोचा कि जिस माध्यम से हम जापान पहुंचे हैं या अभी जापान में जो मौके मौजूद है उसका परिचय क्यों ना अपने बच्चों को करवाया जाए। और यही वजह है कि 2017 में हमने NHA जापान न्यू हाईटेक होराइज़न इस कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का मेन उद्देश्य है जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना, IT सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देना, उसके साथ साथ में जापान में हायर स्टडीज के लिए बच्चे कैसे जा सकते हैं उसके लिए काउंसलिंग तथा कंसल्टिंग प्रोवाइड करना। 2017 से जो जर्नी स्टार्ट हुई उसके बाद काफ़ी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े और जापान में गए। 2019 में हमने जापानीज लैंग्वेज कॉलेजेस के साथ में टाई अप किया, उसके थ्रू काफ़ी बच्चों का हमने एडमिशन के लिए प्रयास किए। बट अनफॉर्चुनेटली 2020-21 में कोरोना की वजह से हम अपने बच्चों को भेज नहीं पाए और ये साल 2022 अप्रैल में हमारे सभी बच्चे, जो यहाँ पे फोटो हैं, यह सभी बच्चे जापान पहुँच गए। जापान में पहुँचे 9th अप्रैल को, आने के कम 15 days के बाद में सभी को पार्ट टाइम जॉब मिल गया। और इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पार्ट टाइम जॉब खत्म हो गया है, उन्होंने स्टूडेंट वीजा को चेंज करके फुल टाइम वीजा में चेंज कर दिया है। तो इसके बाद में हमने 2018 में कोइके सान के साथ में जापान में AIM जापान नाम की कंपनी स्टैब्लिश की है। AIM जापान यह भी एक प्लेसमेंट कंपनी है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा बायलिंगुअल कैंडिडेट्स को जॉब प्रोवाइड किया जाए। बट अभी इस कंपनी का मेन फोकस सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स पे है जो जापान में अवेलेबल है। जो अब्रॉड में अभी कैंडिडेट्स है उनकी तरफ अभी हम उतना ज़्यादा उनको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जापान में अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो आज का जो सेमिनार है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला पॉइंट है कि जापान में जॉब के जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, हायर एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है जापान में। सेकेंड है जापान में स्कॉलरशिप की, वहाँ की स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जाए। थर्ड है TITP तथा SHW के बारे में आपको जानकारी देना। उसके पश्चात इंजीनियरिंग जॉब्स,
अवेलेबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग जॉब्स तथा लास्ट में है इम्पोर्टेंस ऑफ जापानीज लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो यह पॉइंट आता है कि जापान क्यों, हमने जापान के बारे में क्यों सोचना चाहिए। तो सबसे पहले एक वजह तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वहां के युवा अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। इस टाइप के जॉब सेमिनार्स या जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन के सेमिनार्स जब होते हैं तो बच्चे युवा अकेले आते हैं। मुझे देख के बड़ी खुशी भी होती है और बड़ा आश्चर्य भी होता है कि इंडिया में अभी भी युवा अपने साथ माँ बाप को लेके जाते हैं इवन जॉब सेमिनार्स में। तो शायद ये हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है कि हम हर जगह पे माँ बाप का सपोर्ट चाहते हैं, साथ चाहते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जब जापान जाएंगे तो शायद आप एक अपना इंडिपेंडेंट सोच रख पाए। उसके अलावा जो मेन चीज जापान की है वह है पैकेज डिफरेंस। मान लेते हैं आप एक इंडिविजुअल फ्रेशर है, जस्ट पास आउट हुए हैं और आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो आपका जो पैकेज होता है वो होता है पर मंथ आपकी जो सैलरी होती है 30,000। आई डोंट नो कि 30,000 भी देते हैं या नहीं, बट आई मैं से कह रही हूँ कि 30,000 मिलता होगा। वही जापान का जो एक ग्रेजुएट है फ्रेशर, जब वो बाहर निकलता है अपनी यूनिवर्सिटी से, पहली तो चीज ये है कि कैंपस इंटरव्यू में मैक्सिमम 99% लोगों को जॉब मिल जाता है। जो बेसिक सैलरी जो होती है उनकी वो 1.5 लाख इंडियन रुपीज से स्टार्ट होती है। तो यह एक बिग डिफरेंस है। यदि आप जापान में आके काम करते हैं तो यहाँ पे यदि आपको 30,000 पेमेंट है तो जापान में आने के बाद में आपको 1.5 लाख पेमेंट मिलेगा। उसके बाद सेकेंड थिंग जो है, जापान एक बहुत ही विकसित टेक्नोलॉजी का देश है और वहां पे रह के आप एक बहुत डिफरेंट वर्क कल्चर सीख सकते हैं। थर्ड सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो है वह है अपॉर्चुनिटी, प्लेंटी ऑफ जॉब्स जो है जो अवेलेबल है अभी जापान में। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं निक्केई एशिया जो है यह जापान का एक काफी फेमस न्यूज़पेपर है। यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2030 तक जापान में 6.7 मिलियन पीपल का वर्कर्स का शॉर्टेज होने वाला है। वैसे ही कुछ अदर न्यूज़पेपर यदि आप देखते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि कम से कम 8 से 9 लाख आईटी इंजीनियर्स का शॉर्टेज 2025 में जापान में होने वाला है। इट मींस देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी सेक्टर। आईटी सेक्टर हो या नॉर्मल प्लेन ग्रेजुएट्स हो, सभी के लिए जॉब की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज जापान में मौजूद है। उसके बाद अभी ये आता है कि हम जापान जाए कैसे। बहुत से लोग शायद जाना भी चाहते होंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी आप में से कितने हैं जिनके जान पहचान में से कोई जापान गया है। वाओ, काफी संख्या में मौजूद है। अच्छा, इसमें से कितने हैं जो जापान नहीं जाना चाहते हैं? कोई नहीं, गुड। वैसे यही जज्बा चाहिए क्योंकि हमें सभी को देश से बाहर निकलना ही होगा। वक्त बहुत खराब है। जब तक हम देश से बाहर नहीं निकलेंगे, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यह वक्त का तकाजा भी है, जरूरत भी है। तो नेक्स्ट आती हूँ मैं हायर स्टडीज इन जापान। तो जापान की जो यूनिवर्सिटी है, आप में से किसी ने सर्च किया है कि जो यूनिवर्सिटीज है जापान की वहाँ की फी स्ट्रक्चर कैसा है? एनीवन? नो? सर्च करके देखिए, गूगल सभी के पास में है। तो यदि आप देखते हैं तो यूएस और अदर जो यूके या अदर यूरोपियन कंट्रीज जो है उसके कंपेयर में जापान का जो फी स्ट्रक्चर है वह काफ़ी कम है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 1 ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर है अंडर ग्रेजुएट के लिए वो 29 लाख होता है फॉर 1 ईयर ओनली, और डिग्री कोर्स होता है 4 इयर्स का। वहीं पे जो जापान की जो यूनिवर्सिटी है
वहाँ का 1 ईयर का जो फीस है वो 5 लाख है, इंडियन करेंसी में बता रही हूँ। तो 29 लाख वर्सेस 5 लाख, विच इज चीपर? तो जापान में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी चीप में वहाँ पे एजुकेशन मिल सकता है। पहले लैंग्वेज का भी बैरियर था, बट नाउ 29 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज अभी जापान में स्टार्ट हुई हैं, जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। तो अभी फॉरेन कंट्रीज से, इवन नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों से भी काफ़ी बच्चे जापान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी उतना ज़्यादा लोगों में इस चीज़ का शायद जानकारी नहीं है या उन्हें पता नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी एक बार जरूर सर्च कीजिए, जिन्हें अंडर ग्रेजुएट करना है या पोस्ट ग्रेजुएट करना है और इवन PhD करना है, उन सभी के लिए हायर एजुकेशन के काफ़ी मौके जापान में मौजूद है। और साथ साथ में कैसा है, वहाँ पर जाके आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वहाँ का कन्वीनियंस स्टोर है, मैकडोनाल्ड है, KFC है, एग्रीकल्चर है, डिफरेंट टाइप के पार्ट टाइम जॉब्स जापान में अवेलेबल हैं। तो उससे आप हर महीने कम से कम 1 लाख तक अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट स्कॉलरशिप इन जापान। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं जापान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के बारे में? हाउ मैनी? तो जापान की यह जो मिक्स्ड स्कॉलरशिप है, यह जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इसमें दो टाइप की कैटेगरीज होती है, एक होता है एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप और सेकेंड जो है वो होता है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप। तो एक के लिए आपको एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ता है और दूसरे के लिए आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है। इसमें स्कॉलरशिप का बेनिफिट ये है, 100% आपकी ट्यूशन फ्री हो जाती है, आपको यूनिवर्सिटी की एक भी पैसा देना नहीं पड़ता है। सेकेंड, आपको मंथली का जो किराया होता है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाता है। एकोमोडेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको सिर्फ अपने खाने पीने का खर्चा सिर्फ उतना ही आपको मैनेज करना पड़ता है, बाकी सब गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवेलेबल किया जाता है। तो मिक्स्ड की जो स्कॉलरशिप है, इसकी एग्जाम ग्लोबल वे से होती हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में यदि आपको ज़्यादा जानना है, जानकारी चाहिए, तो जापान गवर्नमेंट का एक होम पेज है MEXT का, कि आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक दूसरे टाइप की स्कॉलरशिप वो होती है कि आप जापान पहुँच तो गए हैं, आपने स्टार्टिंग में फ़ीस पे कर दी है, आप जापान पहुँच गए हैं और वहाँ पे जाने के बाद में आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ फंडिंग जो है वो अवेलेबल हैं। वहाँ पे जाने के बाद में परफॉर्मेंस बेस या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप। तो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से 30%, 50% टू 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो यदि आपको मौका चाहिए अपने देश से बाहर निकल के कुछ करने का और आपको लगता है कि आप विदेश में जाके भी कुछ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर जापान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप को एक बार सर्च करके देखिए, अप्लाई करके देखिए। वैसे सीट बहुत कम होती हैं और सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस पे होता है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी, जापान गवर्नमेंट का जो एक नया वीज़ा स्टार्ट हुआ है, वैसे दो टाइप के हैं, एक है TITP जो है टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। नाम पे मत जाइए, जापान गवर्नमेंट ने बड़े मीठे शब्दों में नाम दिया है, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी हम जो बाहर से जो बच्चे आए हैं, विदेशी बच्चे, हम उनको अपनी कंपनीज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद में 5 साल के बाद में कहिए या 10 साल के बाद में, वो ट्रेनिंग किए हुए बच्चे अपने देश में वापस जाएंगे और जो उन्होंने सीखा है, जो भी जापान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखी है, उस टेक्नोलॉजी को अपने देश में जाके वो विकसित करेंगे। बट वास्तव में ये एक वर्क वीज़ा है, इसमें उन्होंने एजुकेशन का कोई क्रिटेरिया नहीं रखा है, इसमें सिर्फ आपको जापनीज आनी चाहिए।
तो यदि आप 10th पास है, 12th पास है, ITI है, डिप्लोमा होल्डर हैं, एटलीस्ट 10th 12th चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, बट एनी ग्रेजुएट, एनी प्लेन ग्रेजुएट, एनी पॉली डिप्लोमा होल्डर, एनी ITI होल्डर, कोई भी हो, वह TITP के लिए एलिजिबल है। बस उन्हें कम से कम बेसिक कम्युनिकेशन जापनीज आनी चाहिए। अब यह जो TITP जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जॉब आते हैं, तो इसका मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताना चाहूँगी। इसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। सबसे पहले तो हमने TITP क्यों करना चाहिए, उसके पीछे वजह यह है कि यदि आप प्लेन ग्रेजुएट हैं, आपने यदि कोई ज़्यादा डिग्री नहीं ली है, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी आपको जापान जैसे देश में जाके काम करने का मौका मिल सकता है। वहाँ पे जाके आपको महीने का 1,00,000 तक पेमेंट मिल सकता है। उसके बाद में आपको वहाँ पे स्पेशल इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, जो यदि आप इंडिया में किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम करेंगे तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट वही चीज़ यदि आप जापान जाते हैं तो जापान में आपको एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी लाइफ स्टाइल देखने को मिलती है, इंश्योरेंस फैसिलिटी रहती है, और सबसे ज़्यादा है कि आपको वहाँ का वर्क कल्चर, वहाँ की टेक्नोलॉजी सीखने का एक मौका मिलता है। उसके साथ में एक और है SSW, जिसका नाम है स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर। जैसे नाम में ही है, स्पेसिफिक स्किल्ड। तो TITP में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। TITP यह है कि जहाँ पे आपको कोई एजुकेशन की क्रिटेरिया नहीं है, वही SSW में क्रिटेरिया एक ये है कि आपको जिस, यहाँ पे 14 फील्ड होती हैं, उसमें केयर गिवर का है, बिल्डिंग मेंटेनेंस का है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, एविएशन है, एग्रीकल्चर है, ऐसे टोटल 14 इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे काम अवेलेबल है। और इन 14 इंडस्ट्रीज में से किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में यदि आपको काम चाहिए, मान लीजिए आपको नर्सिंग का काम चाहिए, तो आपका बैकग्राउंड नर्सिंग का होना चाहिए। वही यदि आप एज ए TITP नर्सिंग का काम करना चाहते हैं तो आपको नर्सिंग का डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो है कम से कम जापनीज N3 तक आनी चाहिए। तो ये डिफरेंस है TITP में, SSW में। TITP में आपके लिए कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई भी यहाँ पे एजुकेशन का क्रिटेरिया नहीं है एक्सेप्ट जापनीज के। SSW में 14 कैटेगरीज में से जो भी कैटेगरी का आप चुनाव करते हैं, उसका आपके पास में डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, या इवन ITI का भी डिप्लोमा जो है वो आपके पास में होना मस्ट है, तभी जाके आप SSW का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि SSW का या TITP जो है, दोनों में जॉब सेम टाइप के हैं, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो जो जॉब्स है, मैं एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँगी वन बाय वन। सॉरी, इसके पहले थोड़ा सा ये नंबर्स हैं यहाँ पे, तो नंबर्स आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे, थोड़ा डीम है यह। एक्चुअली जो TITP का जो कार्यक्रम है, ये 2011 से स्टार्ट हो चुका है सभी एशियन कंट्रीज के साथ में। सिर्फ जापान और इंडिया के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है TITP का, वो 2017 में हुआ है। तो आज की कंडीशन में ऐसा है कि जो वियतनाम जैसा देश है, वहाँ से 2019 का अगर आप नंबर देखते हैं तो 2 लाख वियतनाम के लोग एज ए TITP इंटर्न जापान में आज की कंडीशन में काम कर रहे हैं। वैसे ही बाकी देश भी है वहाँ पे, आपको चाइना भी दिखेगा और दूसरे कंट्रीज भी दिखेंगे, फिलीपीन वगैरह भी दिखेगा, आपको इंडिया का नाम नहीं दिखेगा वहाँ पे। उसके पीछे दो वजह हैं। सबसे मुख्य वजह ये है कि इंडिया जापान के बीच का जो टाइप है वो हुआ ही काफ़ी समय के बाद में। उसके बाद में ये है कि इंडिया के लोगों में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। थोड़े दिन न्यूज़ में आया था कि इंडियन गवर्नमेंट 3,00,000 लोगों को टेक्निकल इंटर्न प्रोग्राम के लिए जापान भेजेगी। किसी ने पढ़ी थी वो न्यूज़? नहीं, न्यूज़ पढ़ते हैं आप सभी? नहीं सर। तो न्यूज़ में आया था ये, जब 2017 में जब मोदी गया था वहाँ पे, उस समय में या न्यूज़ में आया था। नाम आ गया है भाई, नाम लेना जरूरी है। तो उस समय में न्यूज़ में काफ़ी चर्चा हुई थी कि भाई हम अपने देश के युवाओं को भेजेंगे जापान में,
कम से कम 3 लाख युवा जापान जाएंगे, वहां पे जाके ट्रेनिंग हासिल करेंगे, हुआ कुछ नहीं। तो जरा आज की कंडीशन देख लेते हैं। तो ये है आज की कंडीशन, 2021 में कम से कम कितने जाने चाहिए थे, 3 लाख का वादा था, गए सिर्फ 200। तो आज की कंडीशन में इंडिया से सिर्फ 200 बच्चे ही एज ए TITP जापान में गए हैं। अब हम यह TITP के ऊपर में क्यों इतना फोकस करना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये है कि इसमें डायरेक्ट प्लेसमेंट है। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में जो कंपनी आती है उनका एक्सपेंसेस रहता है, बट इसमें आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 8 months आपको ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद में सीधा कंपनी आपको प्लेस करेगी। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मौके का फ़ायदा उठाए। SHW जो है उसमें भी डायरेक्ट प्लेसमेंट है, बट उसमें एक चीज़ ये है कि आपको एक तो वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ में कैसा है कि उसके लिए एक एग्जाम होती है। उस एग्जाम का टेस्ट सेंटर अभी की कंडीशन में इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक ही सेक्टर है, नर्सिंग, जिसका एग्जाम यहाँ पे होता है। तो SHW का यदि आपको जॉब चाहिए, मान लेते हैं कोई नर्स है, वो सोचती कि मुझे जापान जाना है, जापनीज सीख लिया है उन्होंने, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको वो एक एग्जाम होती है, SHW की एग्जाम, वो होती है दिल्ली में, सेंटर है, वहाँ जाके वो एग्जाम देनी पड़ेगी। वो एग्जाम में यदि वो पास हो जाती हैं तो उसके बाद में उनको जो SHW के कैंडिडेट्स को जॉब देते हैं उस एजेंसी को कांटेक्ट करना होगा और वो एजेंसी उनको जॉब प्रोवाइड करेगी। TITP में डिफरेंट है, इसमें कोई एग्जाम नहीं। जापनीज आपने पढ़ लिया, N5 हो गया आपका, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद में आप सीधा आपका रेज्यूम कंपनी में भेजा जाता है, आपका इंटरव्यू होता है, परफॉर्मेंस अच्छा है तो सिलेक्शन हो जाता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे 5 बच्चों की फ़ोटो आपने देखी होगी, तो उसमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। हमारे UP के बच्चे हैं, काफ़ी मेहनती हैं। लास्ट टाइम हमने UP में विजिट की थी, काफ़ी गरीब घरों से आते हुए बच्चे हैं ये, बट इन्होंने मेहनत की और आज उसी मेहनत का नतीजा है कि उसमें से 2 बच्चे जनवरी महीने में जापान जाने वाले हैं और 3 बच्चे जो है उनका अभी इंटरव्यू चालू है और 5 महीने तक पॉसिबली वो भी जापान में पहुंच जाएंगे। तो ये TITP का प्रोग्राम ऐसा है कि इसके थ्रू काफ़ी बच्चे बहुत जल्दी 6 या 8 महीने के अंदर में जापान में जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जॉब्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि किस टाइप के जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं कि केयर गिवर का जो जॉब्स है, नर्सिंग के जॉब्स वहाँ पे बहुत बड़ी पैमाने में मौजूद हैं। और मंच पे हमारे साथ जो उपस्थित हमानुसान जो है, इनका खुद का भी वहाँ पे सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है और यह नर्सेस के ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। और इन्होंने कहा भी है, जब से ये भंते जी के संपर्क में आए हैं, इनका कहना भी है कि यदि बुद्धिस्ट गर्ल्स है जो नर्सिंग के जॉब के जापान आना चाहती हैं तो मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा, बट कंडीशन वही है, जापनीज आना चाहिए। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं बिल्डिंग क्लीनिंग का काम है। अब बहुत से लोग सोचते हैं क्लीनिंग का काम, बट जापान में यह बहुत मामूली चीज़ है। वहाँ पे तो बच्चे भी अपने स्कूल की सफाई खुद ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जापान में किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता है। तो वहाँ पे बाड़ी की जो बिल्डिंग क्लीनिंग का जो काम है वह भी बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद है। जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टूल इंडस्ट्री जो है, मैकेनिकल जॉब जो कह सकते हैं, CNC मशीनिंग के भी जॉब रहते हैं, छोटे मोटे जो टूल्स है, प्रेस ऑपरेटर हो गया, मशीन ऑपरेटर हो गया, यह जॉब्स भी काफ़ी पैमाने में जापान में मौजूद है अंडर TITP एंड SHW। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से संबंधित जॉब, तो उसमें भी आपको काफ़ी पैमाने पर जॉब्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट फिर आता है खेती। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मौजूद किसी को भी खेती में दिलचस्पी होगी, कोई है? ओके, गुड, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा लगा। तो खेती के भी बहुत से जॉब मौजूद है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो डिजिटल एग्रीकल्चर जो होता है, एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ में, तो वो सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है।
और यदि हम वहाँ की टेक्नोलॉजी सीख जाते हैं और जापान से फिर इंडिया में उस टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं तो शायद बहुत कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी काफ़ी जॉब मौजूद हैं। उसके बाद में है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है। वैसे TITP की तो कोई डिग्री या किसी इसका जरूरत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आज की आई थिंक केयर गिवा के बाद में नर्सिंग के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट जॉब्स जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जापान में वर्कर्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और उन्हें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वर्कर्स मिल नहीं रहे हैं। उसके बाद है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो जो गैराज में जो कार रिपेयर का जो वर्क होता है मैक्सिमम उसके लिए भी काफ़ी वैकेंसीज मौजूद हैं। तो यहाँ तक था TITP तथा SHW का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको नींद नहीं आ रही होगी, नहीं ना? ओके, तो नेक्स्ट आते हैं कि इंजीनियर्स प्लेसमेंट। इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आज की कंडीशन में सबसे ज़्यादा IT इंजीनियर्स, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि 8.7 मिलियन इंजीनियर्स शॉर्टेज इन जापान, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ IT की यही जॉब है, उसके साथ साथ में मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, इसमें भी काफ़ी संख्या में जॉब अवेलेबल हैं। बट अभी सबसे मेन चीज जो है जापान में जॉब करना है, बट हम अभी जो डिग्री हमारे पास में है क्या उसी के बेस पे जापान में जाके काम कर सकते हैं? क्या लगता है, जाके कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो इसमें रुकावट है वो है जापानीज भाषा। विदाउट लैंग्वेज यू कैन नॉट गो एंड वर्क इन जापान। तो जापानीज कम्युनिकेशन बहुत ही मस्ट है और जब से कोरोना आके गया है तब से एक दहशत सी बैठ गई है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था। तो जो वर्कर्स थे जिनको जापानीज नहीं आती थी, हाउ टू कम्युनिकेट विद दोज पीपल्स, यह जापानीज कंपनी एम्प्लॉयर्स के लिए सबसे बड़ा हेडेक था। तो अभी उन्होंने यह डिसाइड किया है कि जो भी एम्प्लॉयज को वो हायर करेंगे, नए जो एम्प्लॉयज होंगे, बाइलिंगुअल होना चाहिए, N2 मस्ट होना चाहिए। 5-6 साल पहले की स्टेज ये थी, सिचुएशन ये थी कि चलो N3 है तब भी ओके है, N4 है तब भी ओके है, हम सिखा देंगे। बट आफ्टर कोविड जो है थोड़ा सा सिचुएशन बहुत चेंज हो गया है और अभी N2 जो है यह मस्ट क्रिटेरिया हो गया है मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स का। उसके साथ साथ में ये IT की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे जापानीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उसके लिए आपका जो IT का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा, आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो या तो आपका जापानीज का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, या तो आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा होना चाहिए कि विदाउट आपके जापानीज के भी आपको हायर किया जा सके। तो आपको अपने टेक्निकल प्लस जापानीज दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। नेक्स्ट, ओके, ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये हमारे जो बच्चे हैं 2019 में इन्होंने अप्लाई किया था कोविड की वजह से, 2020 में अप्लाई किया था उन्होंने, कोविड की वजह से ये जा नहीं पाए थे और उसके बाद में आज सभी वहाँ पे जापान में मौजूद है, सभी वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और महीने का कम से कम अभी 1 लाख करेंसी में कमा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सबसे ईजिएस्ट वे जापान में जाने का यदि कोई है तो वो यह है कि ज्वाइन अ जापानीज लैंग्वेज कॉलेज इन जापान। तो इसके थ्रू कैसा है कि विद इन 6 मंथ्स आप जापान जा सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि जापान में जाने के बाद में आप 1 ईयर में जापानी सीख भी सकते हैं और जापानी सीखने के इमीडिएट बाद आपको वहाँ पे जॉब भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने भी अपने करियर की स्टार्टिंग वैसे ही की थी।
जापानीज लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन किया था, उसके बाद से मैं अभी वहीं पे हूँ। तो मुझे यह लगता है कि यह सबसे आसान रास्ता है जापान में जाने का, इसी रास्ते से आप जापान जा सकते हैं। दूसरा, यदि आपको लगता है कि नहीं, हम थोड़ा सा उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जापानीज लैंग्वेज कॉलेजेस महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, तो दूसरा रास्ता आपके पास में ये है कि आप TRTP के थ्रू एंटर कीजिए। और थर्ड वे ये है कि आप यहीं पे रह के कम से कम अपना जापानीज कम्युनिकेशन N2 लेवल तक स्ट्रांग कीजिए। और देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट यदि आपका कम्युनिकेशन लेवल या आपकी जापानीज लैंग्वेज N2 तक होती है, तो उसके बाद में आपको जापानीज कंपनीज में जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। जापान में आने के बाद भी और इन इंडिया में भी आजकल बहुत सी जापानीज कंपनीज आ चुकी है, तो वहां पे आपको आसानी से जॉब मिल सकता है बेस्ड ऑन योर जापानीज स्किल्स। ओके नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है एक्सप्लोर जापान। तो इसमें हमने अभी देखा है कि रिसेंटली कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जापान में जाके बिजनेस करना चाहते हैं, डिफरेंट फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अभी हम लोगों ने जापान में आके जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए सपोर्ट काउंसलिंग भी स्टार्ट किए हैं। जो प्रोसेस होती है वहाँ पे आने के बाद में बिजनेस करने की, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, फाइनेंस कितना होना चाहिए, उन सब का काउंसलिंग कंसल्टिंग जो है वो भी हम अपनी कंपनी के थ्रू करते हैं। तो यदि किसी का इंटरेस्ट है, जिनको लगता है कि भाई हमें जापान में जाके बिजनेस करना है, तो वो NHS जापान को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ में कंसल्टिंग जो भी है वो कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और इतना समय बिया करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जापान के बारे में। और आप में से जो भी उत्सुक होंगे वो कभी भी NHS जापान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे संपर्क में आ सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम। यांच्या या प्रेझेंटेशन वरून मला एक लक्षात आलं की तुम्ही TITP जा, ते SHW जा, की तुम्हाला जपानीज भाषा येणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। आणि माझ्या मते अनेक वर्षापासून नागपुरामध्ये जापानी भाषेचे वर्ग सुरू आहेत, त्याला किती सक्सेस येतोय मला माहिती नाही, पण काही लोक माझ्या संपर्कात आले होते। मी त्यांना म्हटलं होतं की आंबेडकर कॉलेजमध्ये तुम्ही हे क्लासेस घ्या, मी तुम्हाला जागा सर्व सर्व उपलब्ध करून देईन। आणि त्याचा फायदा आमच्याही काही विद्यार्थ्यांना होईल। माझा एक विद्यार्थी जो इथून इंजिनिअरिंग केलं, त्यानंतर MBA केलं, म्हणजे तुम्ही ओळखत असाल तर तुपे म्हणून, आता 4 वर्षापूर्वीच तो जापानला गेला आणि माझं असंच बोलणं झाल्यावर इक्वॅलंट तो काही 5-6 लाख रुपये महिना कमवतोय। आणि आता हे जे विद्यार्थी ज्यांचे आपण फोटो पाहतोय तेही गेले जातील, त्यांचं अभिनंदन। आणि सर्वात मुख्य म्हणजे मला आशा नव्हती की हा हॉल एवढा भरेल, म्हणजे खूप कमी कार्यक्रम मी पाहिले त्या हॉलमध्ये की जिथं हॉल पूर्ण भरतो। आणि तुमचंही अभिनंदन की एवढ्या मोठ्या संख्येनं तुम्ही उपस्थित झाले। जापान हा देश आपल्याला सांस्कृतिकदृष्ट्या खूप जवळचा आहे, म्हणजे बौद्ध धर्माचा प्रचार इंडियातूनच जापानमध्ये गेला आणि त्यांनी बौद्ध संस्कृती जपून ठेवली आहे। आणि अजूनही ते भारतातल्या बौद्धांना एक वेगळ्या आदरयुक्त दृष्टीनं पाहतात। आणि ही एक चांगली संधी आहे आपल्यासाठी की आपण ह्या संधीचं सोनं करून घ्यावं। टेक्निकल जॉब्स तर मला माहिती आहे की जापानमध्ये खूप आहे, आणि जसं मॅडमनी सांगितलं 87 लाख जॉब्स, IT 8.7 मिलियन, म्हणजे जवळपास 87 लाख जॉब्स इंडिया जापानमध्ये क्रिएट होणार आहेत। आपण नक्कीच त्यासाठी प्रयत्न करायला हवा। आणि तसं पाहिलं तर मला वाटतं 6 तासाचं अंतर असेल मॅडम, नाही 8 तासाचं, म्हणजे 3 नाही जायसाठी 8 तासाचा, म्हणजे असं काही खूप दूरही नाही। आणि जशा सोयी, म्हणजे एम्बॅसीची स्कॉलरशिप असो, विद्यापीठाची स्कॉलरशिप असो, किंवा तिथल्या लोकल गव्हर्नमेंटची स्कॉलरशिप असो, म्हणजे जसं मॅडमने सांगितलं तसं खूप
डिफिकल्ट नसावं असं मला वाटतं. फक्त प्रयत्न करायची गरज आहे. जॅपनीज लँग्वेज आणि जॅपनीज जी लिपी आहे तशी ती थोडीशी डिफिकल्ट असावी असं मला पाहून वाटतं. पण मी अनेक लोकांशी बोललो तेव्हा असं कळलं की तुम्ही N5 पर्यंत 6 महिन्यात आरामात करू शकता. थोडासा प्रयत्न करणं जरूरी आहे. आणि जसं मी सांगितलं की आंबेडकर कॉलेजमध्ये मुलांनी किंवा कोचेसनी यावं आणि तिथं क्लासेस घ्यावे. कुठलीही भाषा शिकताना जोपर्यंत तुम्ही ग्रुपमध्ये स्टडी करत नाही, आपसामध्ये त्यात छोटे मोठे कम्युनिकेशन करत नाही, तोपर्यंत मला वाटतं की तुमची लँग्वेज सुधरू शकत नाही. म्हणून जर तुम्ही ग्रुपमध्ये येऊन स्टडी केलं, ग्रुपमध्ये छोटे छोटे कॉन्व्हर्सेशन जर करत गेलेत तर तोही एक तुम्हाला फायदा होईल. आणि जसं एवढी गर्दी आली आहे म्हणजे नागपुरातून अनेक लोक जपानमध्ये जायला उत्सुक आहेत असं दिसते. आणि ह्या याच्यासाठी म्हणजे मॅडमनी सांगितलं त्यांची एक प्लेसमेंट एजन्सी कंपनी आहे, त्याशिवाय ट्रेनिंग देण्यासाठी आपल्याकडे भरपूर लोक आहेत. या 1-2 दिवसांमध्ये माझ्याही 2-3 लोकांशी भेटीगाठी झाल्या जे ह्या प्रोग्राममध्ये इन्वॉल्ड आहेत. तर आपण एक ग्रुप तयार करून आपल्या मुलांना जपानमध्ये पाठवण्यासाठी प्रयत्न करूया. आणि ह्या प्रयत्नामध्ये आम्हा सर्वांचं भंतेजींचं सहकार्य तर अनेक वर्षापासून राहिलेलं आहे. बाकी आम्ही म्हटलं म्हणजे आम्ही स्वतःला टीचर समजतो म्हणून तर टीचर्स कम्युनिटीचंही सहकार्य सर्वांना राहील. त्याशिवाय ट्रेनर्स नागपुरात असलेले म्हणा किंवा बाहेरून आणायचे असले ते सुद्धा आपण ऑर्गनाईज करू शकू. आणि आपल्या मुलांना तिथे गेल्यावर स्कॉलरशिप असो किंवा तिथं येणाऱ्या बाकी अडचणी म्हणजे व्हिसाच्या अडचणी असो की बाकी कुठल्या राहायच्या वगैरे त्यासाठी अर्चना मॅडम आपल्यासोबत आहेतच. तर आपण ह्या संधीचं सोनं करून घ्यावं एवढीच अपेक्षा. जय भीम जय भारत. अभी तक हमें लगता था कि जापान में सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ही जॉब अपॉर्चुनिटीज है. आज जब अर्चना मैम को सुना तो हमें पता चला कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए भी काफी वर्क अपॉर्चुनिटीज जापान में उपलब्ध है. एक थोड़ा कंसर्न मेरा यहाँ पर यह होता है कि हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि हम जिसे हो सकता है आपको बुरा लगे कि हम हमारे बच्चों को एक लो लेवल के काम करते हुए नहीं देख सकते या हमारा वर्क कल्चर इस तरह अलाउड नहीं करता. मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स का यह कहना होता है कि हमने अभी तक इस तरह के कोई जॉब नहीं किए हैं. तो मैं आपको बता दूं काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है और जापान में सभी काम को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है. तो कोई भी काम हमारे लिए छोटा नहीं है. यहाँ से जो स्टूडेंट्स गए हैं वो वहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं और साथ में एजुकेशन भी ले रहे हैं. हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे अभी मास्टर्स के लिए भी जापान गए हुए हैं. तो उनका भी एक्सपीरियंस यही है कि वो वहाँ पर अच्छा अर्न कर रहे हैं और साथ में अपने स्कूल की फीस भी खुद ही दे रहे हैं. हमारी भारतीय मेंटालिटी इस तरह से होती है कि हम हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के तरफ जोर तो देते हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि जब वो सामने खड़े होने के लिए आगे आता है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं उसके गिरने से पहले ही हम उसको संभाल लें. मेरा कहना यह है कि अगर हमारा बच्चा गिरेगा नहीं तो वो खुद होकर उठना कैसे सीखेगा. हमारी इंडियन मदर्स फादर्स हम जब भी हमारे बच्चे के किसी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम उसके लिए क्या करें. मेरा कहना यह है कि हम ये क्यों सोचते हैं कि हम उसके लिए क्या करें. हम उसे ये इसके लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं करते कि बच्चा तू क्या करेगा. जिस समय हम इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे उस समय हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट बनेंगे. तो हम चाहते हैं कि हमारी सोच बदले. हम हमारे बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करें.
हम उन्हें गिरने दे, जब वो गिरेंगे उसके बाद में जब वो संभलने लगेंगे तब हम उसे संभलने के लिए अपना हाथ देंगे, ना कि इसलिए कि बच्चा तू गिर मत। ये इस तरह की सोच को हमें बदलना है। साथ में हम ये भी कहते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि जब मैम ने ये स्लाइड्स आपको दिखाई थी TITP प्रोग्राम में, तो मैक्सिमम जब बच्चे इस तरह के स्लाइड्स देखते हैं हमारे पास में फोन आते हैं, तो काफी बच्चों का एक क्वेश्चन ये होता है कि हम इस तरह के जॉब करेंगे क्या। तब हम आपको बताते हैं, हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि जॉब कोई छोटा या बड़ा नहीं है, वर्क कल्चर है, हम वर्क कल्चर को फॉलो करते हैं, और जब हम वर्क कल्चर को फॉलो करेंगे तो ही हमारा प्रोग्रेस होगा, ऐसा मेरा मानना है। जेबी, थैंक यू वेरी मच। इन जापान वी स्टार्टेड न्यू कंपनी इन 1996, that is for automotive design company. President Mr. Mizuno and I started new business at that time, and we needed to get engineers, mechanical engineers. Before, at that time, new technology started. That was 3D CAD, computer-aided design. Maybe mechanical engineers know. That technology started, and there is not so much engineers there, also in Japan. So we are looking for good engineers in India. We started to search in Bangalore and Chennai, and visited many companies for computer engineering. But there is also that is so many computer operators, but there is no mechanical engineers. So we changed the method. I suggested Mr. Mizuno to look for engineers, mechanical good engineers in Nagpur, because I have been in Nagpur and come Nagpur sometime to meet Bandeswari Sasai. And 1998, I came to Nagpur and asked Bandeswari Sasai and my friends how we start to recruiting engineers here. So we made a company here, and that was Indra Chok. And we had the office in Indra Chok and put computers there and starting recruiting. First time, we decided have entrance examination here. Maybe November 1998. And entry persons were 200-300 persons come. And we decided to take 10 engineers to Japan. And from 1998 to
2003 around 5 years. Every year we had examination here, and finally 50 engineers we take to Japan. They work for Japanese automotive companies like Toyota, Mazda, Nissan, Honda, like that. Operating computers or using 3D CAD. Every expense we paid. At that time, every engineer was very poor, and they could not invest themselves. So we prepare to learn Japanese language opportunity and to learn CAD technologies. And after several years later, we could not to keep invest more because some engineers leave our companies, left our companies. So that project was closed. But after that, 50 engineers, almost all engineers staying in Japan and working for automotive suppliers and car makers. Some people, we made a company in USA, Maxis America in Michigan State. And around 10 persons went to Michigan. Because there is also Japanese automotive companies, Toyota, Honda, Nissan, and they required who can speak Japanese and English, both. So we take some person from Japanese engineer, Indian, who lives in Japan to Michigan, around 10 people, 10 persons. Now, almost all very good engineers became very good engineers. Someone became a company president. Someone became a car maker's supplier's director. Someone became continued to engineer to become head manager, like that. Now Maxis don't use Indian engineers now. And now, 2-3 years ago, I started new company in Japan with Modogare for recruiting engineers again. So, but one important things here, we cannot invest more. 2 years ago, we invest for learning Japanese, for learning CAD, CAM, CAD technologies. But now I started a new company that is only recruiting, so we cannot invest more. And condition is changing. Companies, our customers, require to use quickly. Who can? Their requirement is who can speak Japanese certificate level as N2. That is very difficult to learn. At least N3. So I suggest you
to learn Japanese, not here in Japan. That is better to get job. And at that time, I can help you. Gradually, condition is changing. So, and Nagpo people also changed. So, if you want to try to get job in Japan, please learn Japanese first and skill level up. That is my suggestion. Thank you very much. 日本から来た浜野です。メラナム浜野へメジャパンセヨ。日本では、福祉をやっていますが、今、Web3 であったり、e スポーツ、プログラミング、メタバース、そういうエンジニアを、これ今、みんなでやっています。メジャパンメアクチュアリーケルテカルカカムカタオカンパニー、バタビー、मेटावर्स ईस्पोर्ट्स के इंजीनियर्स के कंपनी या ढूंढने का एक काम कर रहा हूं では、デジタルエンジニアは日本でも必要ですし、世界でも必要です。そして、皆さんのような情熱ある若い方が次世代を作っていくと思っています。जो अभी नया जो इंजीनियर्स है डेटा इंजीनियर्स ये अभी सिर्फ जापान में भी नहीं हर दुनिया में भी बहुत अभी इस्तेमाल है और उनका यूज है मेरे को लगता है कि अभी के आप लोग जैसे यंग पीपल जो है वो ये दुनिया को चेंज करने के लिए बहुत पैशनेट और चेंज लेकर आ सकते हैं मैं इसके लिए passionately बहुत रुकता हूँ कि आप लोग के साथ में work करें और पढ़ाई करके काम करने के chances में रुकना हूँ। そして最後に、僕は、英語、ヒンズー語が少ししか喋れません。なので皆さんと会話が今はできませんが、皆さんも日本語を覚えていただいて、少しずつ一緒に会話をしていきましょう。以上です。मेरे को अभी हिंदी यहाँ पे आती नहीं है इसलिए आप लोग से मैं बात नहीं कर सकता हूँ इसलिए मैं रुक रहा हूँ कि आप लोग को जापनीज बात करने आए तो फिर मैं भी आप लोग के साथ में अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकता हूँ थैंक यू थैंक यू साथियों इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा ये है जैसा कि एक मैं इसमें एक कोट बाबा साहब अम्बेडकर जी का करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने एक जमाने में ये कहा था आपको अगर प्रॉपर एजुकेशन लेना है तो आपको गांव के बाहर निकल के अच्छा एजुकेशन लेना पड़ेगा पर आज जो हमारे देश की कंडीशन आई हुई है वो ये कहती है कि आपको गांव से नहीं शहर से नहीं तो देश के बाहर निकलकर आपको अच्छा एजुकेशन अच्छी सोसाइटी में रहना अच्छा पैकेज लेना ये सोच आपको बनानी पड़ेगी ये आज की परिस्थिति कहती है मेरा यही कहना है कि आप जापान तो हम रहते हैं इसलिए जापान कह रहे मेरा ये कहना है कि आप विश्व के कोई भी इसमें कोशिश कीजिएगा जैसा जर्मन हो गया और दूसरी कंट्रीज जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर आता है वहाँ आप लैंग्वेज सीखिए फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दीजिएगा क्योंकि अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हैं जैसा जापान की अगर मैं बात करता हूँ अगर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे मौके हैं आपको वो मौके जापान में तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको वो मौके इंडिया में भी मिलेंगे वही मौके पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जापानीज कंपनी आए और हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास में लैंग्वेज है आपको अगर जापानीज आती है आप जापानीज में बोल सकते हैं आपको इंग्लिश भी आती है हिंदी मराठी तो अपनी है ही तो ये एक प्लस पॉइंट है जो आपको अपने बदलाव के लिए जरूरी है हमारा सोचना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इधर के बच्चे लोगों ने लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना चाहिए और बाहर जाना चाहिए आप यहाँ पे
अगर रह के अपने घर में रह के अगर जॉब नहीं कर पाते और मुंबई जाके करते, दिल्ली जाके करते, पुणे जाके करते या बेंगलोर चेन्नई और अदर कंट्री में जाके करते तो वो सेम है, क्योंकि आप घर छोड़ रहे, अपना खुद का घर छोड़ रहे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं पे भी हो, एक अच्छी सोसाइटी की आदमी डिमांड करता है, एक अच्छी सोसाइटी का एक अच्छा पैकेज चाहता है, वो आपको जापान में मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे कल्चराइज कंट्री बोलो तो जापान है। और जापान में आपको जॉब जो है, जिसका बेसिक जो है वो 2,20,000 से स्टार्ट होता है। 2,20,000 बोलो तो इंडिया के 1.5 लाख पकड़ लीजिएगा, नियर अबाउट 1.5 लाख। तो आपको अगर 8 घंटे इधर में भी काम करना है, 8 घंटे जापान में भी काम करना है, आप सोचिए 8 घंटे का बेनिफिट किधर मिल रहा है। आप अगर इंडिया में काम करते तो शायद हो सकता है कि आपको जो ओवर टाइम रहता है उसका अमाउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सी कंप्लेंट्स है कि ज़्यादा वर्क करवाते और अमाउंट जो है ओवर टाइम का वो देते नहीं। लेकिन जापान में चीटिंग नाम की चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोच के आपको सोचना चाहिए कि मेरा भविष्य मैं कहाँ पे करूँ। TITP की अगर मैं बात करता हूँ, ये सभी के लिए है। अगर कोई इंजीनियर्स जाता है, वो कोई भी फैकल्टी का रहो, उसको प्लस पॉइंट ये है कि उसका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। अर्निंग स्टार्ट होता है, वो मेहनत करता है तो उसको उसके इंजीनियर बेस पे उसको आराम से जापान में एक अच्छी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी बोलो, IT में है तो IT के इसमें बोलो, क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, पैसा भी रहता है, जापान जैसे कंट्री में सर्वाइव कर रहा है तो कंपनियां भी ऐसे लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है। स्टडी एंड वर्क के बारे में हम क्यों बताना चाहते हैं? स्टडी एंड वर्क इसलिए कि यहाँ से आपको स्टडी भी करनी है, 6 महीना स्टडी करिए, 6 महीना प्रोसेस में जाते हैं, जापान में आइए, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कीजिए। अभी हमारे इधर में सभी लड़के लोग जो है पार्ट टाइम जॉब करके ये कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब करना, अर्न करना भी हो जाता है, यानी जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनका फुलफिल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो कंप्लीट रिकवर हो जाता है, आपने जो भी इन्वेस्ट किया है वो रिकवर हो जाता है और वो वहाँ पे आप एक अच्छी कंट्री में पढ़ भी रहे हैं, उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, जापनीज पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और वहीं से आपको अगर आप अच्छी जापनीज अगर ये कर लेते एक लेवल के बाद में, आपको 100% श्योर है वहाँ पे जॉब आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों, यही मेरा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज के ऊपर में फोकस करके, या नहीं बाहर का सोचिए, थोड़ा बड़ा सोचिए। तो आने वाले इसमें हो सकता है बहुत सारी कंपनियां इधर में आ रही है, हो सकता है हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाले इसमें और थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो यही से हम लोग रिक्रूट करना चालू कर सकते हैं। हमारी कोशिश चालू है, साथी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ में और बहुत से लोग ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, तो हम लोग भी अपने आप को प्लस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इतना बोल के आपका, शायद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, धन्यवाद। जय तथागत सम्यक संबुद्ध और उदीक्षतुभ ये महापुरुष को प्रथम वंदना। आज ही जापान में है अर्चना मुरुगाड़ी, उसके मिस्टर मुरुगाड़ी जापान में बहुत तो अच्छा काम कर रहा है ऐसा सुना है। मैं तो जापान गया नहीं,
ऐसा सुना है। और उधर में इच्छा कोई की पहले बंदेज बना चुका था, पूरा एक महीना में पूरा वंदना याद हो गया, घर घर में जाके अकेला परिश्रम पद किया। और उस समय जूदो शीशम तूदान था, कोदो का जूदो, जूदो को PWS खरीज में शीशम दिया था। और जापान में जाने के बाद बिजनेस बहुत होशियार बिजनेस मान दिया, जापान में प्रथम 50 लोग को एकदम बेच दिया। ये भी केवल नागपुर डिस्ट्रिक्ट ओनली, नागपुर डिस्ट्रिक्ट के 50 इंजीनियर को कोई नहीं जापान में भेज दिया, क्योंकि मैं नागपुर में है इसलिए नागपुर को ज्यादा महात्मा दिया। ये भी नागपुर में परीक्षा दिया, 3 दिन परीक्षा दिया, इंजीनियर सब डिग्री है यार का, लेकिन ये इंजीनियर से और परीक्षा देखी और हाई क्लास इंजीनियर जापान में ट्रेनिंग देना चाहती। जापान में गया लेकिन थोड़ा हाई क्लास का इंजीनियर हो नहीं सका, रास्ता में नौकरी पैसा कमाना गरीब के समाजी पिता माता देश में है, भाई बहन गरीब में स्कूल जा रहा है, उसको देखकर जल्दी नौकरी हो, लेकिन 2-3 लोग हाई इंजीनियर बनाया अमेरिका में इंग्लैंड में जोरदार दल में भी, अमेरिका में भी जोरदार इंजीनियर हो गया। जापान में भी बहुत इंजीनियर, अभी कितने लोग है जापान कुटुंब फैमिली के साथ मेरा 300 लोग, ये भी नागपुर के डिस्ट्रिक्ट लोग ज्यादा है। और जापान के कंपनी से मेरे को चिट्ठी 2-3 बार आया, ये कोई को भी बताया नहीं, अर्चना जी को भी बताया नहीं, बड़वा कंपनी से मेरा के पास में चिट्ठी आया, बंदे जी आपने भारत के इंजीनियर के लड़का लोग को लड़की लोग को भेजा है। धन्यवाद भंते जी हमें आशीर्वाद के शब्द कहने के लिए। दोस्तों कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कार्यक्रम काफ़ी लोगों की सफल मेहनत का ही नतीजा रहता है और हमारा कार्यक्रम भी काफ़ी लोगों की मेहनत का नतीजा ही है। मैं उन सभी लोगों को आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि बानाई इंदौरा बुद्ध विहार स्कैन YBMS ब्लू बर्ड्स
अमिताभ बहुउद्देशीय संस्था नागपुर, मीडिया पार्टनर आवाज इंडिया, इनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहती हूँ प्रज्वलित मुठघरे जी का, वीरेंद्र मनपे जी का, मिस्टर सुशील देशभर्तार जी का और सौरभ मेश्राम का, जिनके अथक प्रयास और जिनके मेहनत की वजह से आज ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हुआ है।